एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, बीमार नहीं चल सकता, ये ठेले वाले पथारे वाले सब बिल्कुल आगे आ जाते हैं मगरिब के बाद। मैं देखिए बड़ा परेशान हो गया हूँ इस कराची शहर के हालात देखे ना, तभी इतने हालात आज से 7-8 साल पहले इतने बुरे नहीं थे। अभी आप देखें ठेलों वालों ने किस तरह ये पूरी सड़क को घेरा हुआ है। हम तो काफ़ी देर से पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ था क्योंकि किसी ने केलों की रेड़ी लगाई हुई, किसी ने तरबूज की रेड़ी लगाई हुई है, सारी आगे इंक्रोचमेंट की हुई है। आप यहाँ देख लें, आप मोबाइल आएंगे, अपने करते धरते जो भी आएंगे इधारे, वो यहाँ से सिर्फ भत्ता लेते हैं और कुछ नहीं लेते, सिर्फ ठेले वाले से 2-4 दिन ये कहानी होगी, उसके बाद वो दोबारा के खड़े हो जाएंगे। ये जितने भी भत्ता माफ़ी है ठेले वाले खड़े हुए, ये सिर्फ माफिया है और कोई कुछ नहीं है, इनका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये रोड पे ठेले जो खड़े हुए हैं इनको हटना चाहिए, इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल से आना पड़ रहा है, जगह जगह ठेले लगे हैं, उनकी वजह से रोड जाम हो रहा है, एम्बुलेंसों को भी परेशानी होती है इस वजह से। मैं एज अ टीचर मैं ये बात करूँगा कि यहाँ सुबह से यूनिवर्सिटी यहाँ से करीब है, यहाँ से बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस करीब हैं, अभी आपको पता है कि बोर्ड्स के इम्तहान चल रहे हैं, तो सुबह यहाँ ये आलम होता है कि चारों तरफ का ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे बाइक वाले जो के बच्चे गिरने के कासिर होते हैं, कभी किसी ठेले में घुस रहे हैं, कभी कहाँ घुस रहे हैं, क्योंकि नौजवान तबका है और जोशीला तबका है, और इसकी वजह से ही जो है बच्चा कभी यहाँ से बाइक निकाल रहा है, यहाँ रोड के बीच में आ जाते हैं, फिर साइड में भी खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर एल्बम शमी भाई का, मेरे सामने वाला काशिफ का है, टू यूसुफ और रिजवान का है, अलग अलग बाटे है मेरे पास। अफसरानों को माल चाहिए, जो देगा वो टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई और वफाकी हुकूमत 3 दिनों में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करे। इस फैसले में पूरे मुल्क में इंक्रोचमेंट के हवाले से फौरी एक्शन के अहकाम जारी किए गए। इस फैसले के बाद कराची में क्या हुआ? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कराची के तमाम अजला में बयक वक्त तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। हर टाउन में KMC इंस्पेक्टर तैनात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गरबी ने कहा है कि उनके जिले में बनारस फ्लाईओवर के नीचे तजावुजात की वजह से मसाइल हैं। औरंगी टाउन 10 नंबर और कतर अस्पताल के अतराफ ज्यादा तजावुजात हैं, जिनका खात्मा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मलिक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कायदाबाद ब्रिज के नीचे से तजावुजात खत्म की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने तजावुजात के हवाले से जिन इलाकों की निशानदेही की उनमें शेरशाह, मंगोपीर और दीगर इलाके शामिल हैं। जिला शर्ती में तारिक रोड, समामा शॉपिंग सेंटर, पहलवान गोड और दीगर इलाकों में तजावुजात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि बिला इजाजत सड़क काटने पर दफा 144 लगाने की तजवीज जेर गौर है। दसबेला चौक से गुरु मंदिर तक बड़ी तादाद में रिक्शे खड़े होते हैं, जिनके बायस ट्रैफिक मुतासिर होती है। मुतालिका एसोसिएशन से राबता करके इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रूह से 3 रोज में तमाम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाना था, जो की अब भी जारी है। ये मनाजिर है 3 मई 2024 सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले एक ऑपरेशन के, जो कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ कराची, बाड़ा मार्केट और अतराफ में किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4, बाड़ा मार्केट और इससे मुत्तसिल बाजार में KMC अहलकार तजावुजात उठा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट की जो है बड़ी सख्त हिदायत है, जिस पर हमारे मेयर साहब ने जो है KMC एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को जो है बड़ी सख्ती से हिदायत की है, पैदल चलने वाले की जगहों को जो है बिल्कुल फौरी तौर पे खाली कराया जाए। तकरीबन एक हफ्ते का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पूरे ये हमारी ड्राइव चलेगी, जिसमें मेन रोड्स पे जितनी भी रोड, फुटपाथ और जो भी कच्ची पक्की इंक्रोचमेंट है उसको हम रिमूव करेंगे। न्यू कराची के एरिया में एक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जो इंशाल्लाह अगले 7 रोज़ तक जारी रहेगा। इसमें मुख्तलिफ मकामात हैं जिन पे हमने तजावजात के खात्मे के ऑपरेशन किया है। बिलाखिर थोड़ी ही देर में कार्रवाई करते हुए KMC अमला मार्केट में दाखिल हो गया, जहाँ तजावजात की वजह से गाड़ियों तक को रास्ता नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, बीमार नहीं चल सकता, ये ठेले वाले पथारे वाले सब बिल्कुल आगे आ जाते हैं
मगरिब के बाद आप देखिएगा, आप शाम में चक्कर लगाए, सुबह में कोई नहीं होगा, जुमे का दिन आधी दुकानें बंद है पूरी, लेकिन आप शाम में चक्कर लगाइए 4 बजे के बाद, देखिएगा कि कितना यहाँ आप निकल नहीं सकते, आप भी फंस जाएंगे रास्ते में। अगर आप आगे देखें शिनवारी वाले दूसरे वाले खुले हुए हैं, सारी सड़क ब्लॉक की हुई है, अब तो लोग काफी 10-15 मिनट से उधर फंसे हुए थे ट्रैफिक जैम में। आप गाड़ी में बैठे हॉर्न भी कर रहे होंगे, मिनते भी कर रहे होंगे तो ये सब सड़ेंगे समझेंगे कि ये सड़क इनके बाप की है या किसी की है, मतलब वो इस तरह जनाब बदमाश बन के बैठे हुए हैं ये लोग। और हर गली से कोई ना कोई ठेला निकलता हुआ आ रहा है, या तो कोई केबिन है या कुछ है। आज थोड़ा बहुत काम हुआ है इस हवाले से, ये अभी KMC ने आज खाली किया है, उसने सख्त इकदाम किए, उन्होंने काम किया, और अभी आधे घंटे बाद मैं इसको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ आपको, आधे घंटे बाद वही पंचर वाले ने अपनी मशीन उड़ाई लगा दी और फिर दोबारा वो काम करके जाते हैं और ये काम जो है खराब करते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर इससे चंद रोज कबल हमने टीम गिरफ्त के खुफिया नुमाइंदों को मुतहरिक कर दिया था, जिसके बाद इलाके में तजावजात कराने वाले की तलाश जारी थी ताकि काले धंधे का पर्दाचाक हो सके। हाँ गुड्डू भाई, मैं रास्ते में ही हूँ, आप हैं ना वहाँ पे मौजूद है ना? मैं बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। टीम गिरफ्त के नुमाइंदों को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुरजानी टाउन में तजावजात करवाने वाले शख्स के बारे में मालूम हुआ, जो कि अभी भी मुतहर्रिक था। कई मर्तबा कोशिश करने के बाद भी इस इलाके में इंक्रोचमेंट करवाने वाले से राब्ता न हो पा रहा था, क्योंकि शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी था। आखिरकार हमारे नुमाइंदों की शाकिर उर्फ गुड्डू नामी शख्स से बात और फिर मुलाकात हो ही गई। गुड्डू हमारे नुमाइंदे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर 4K चौरंगी से आगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हदूद में सुरजानी टाउन KDA फ्लैट्स के पास ले गया। ये इलाका भी गैर कानूनी तजावुजात से भरा पड़ा है। शाकिर उर्फ गुड्डू ने चिप्स का केबिन लगाने के लिए एक मुनासिब मकाम पर हमारे नुमाइंदे को ला खड़ा किया। शाकिर ने चिप्स का केबिन लगाने के बतौर एडवांस 10,000 तलब किए, जो कि उसके मुताबिक KMC डेप्यूटी डायरेक्टर की तयशुदा रकम है, और इसके बाद माहाना 1,000 रुपए। करते हैं कुछ वो जगह सही है, देख लें आप, देख के मेरे को बता दें आप, मुझे बता दें आपको क्या अजिया होगा। वो KMC का हमारे हेड ऑफिस का डिप्टी साहब का 10,000 रुपये जमा कराने होते, बाकी महाना महाना कितना होगा? 1,000 रुपये। हमारे नुमाइंदे के इसरार करने पर शाकिर ने एडवांस की रकम, जो कि 10,000 थी, दो किस्तों में अदा करने की रियायत दे दी।